सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। थंबनेल टाइटल देख लिया, बाकी तो तुम समझदार हो। एपिसोड वॉचर्स प्लीज लीव दिस वीडियो अगर तुमको मांगा के स्पॉइलर से फर्क पड़ता है तो। टॉपिक में आने से पहले, अगर तुमने अभी तक रेड मूवी के लिए पेटिशन पे साइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जाके जल्दी पेटिशन पे साइन करो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट, बैक टू द टॉपिक, अगर हम लोग स्टोरी के हिसाब से चले तो लगभग 90-95% वानो आर्क खत्म हो चुका है। रुक जाओ, ये सुन के मातम मनाने की जरूरत नहीं है, ओडा इस आर्क को 6-7 महीने और खींचेगा। अराउंड 15-20 चैप्टर कम से कम मैं ले रहा हूँ, 15-20 चैप्टर और लग जाएंगे। क्यों वो भी बताऊंगा, और इसके एंडिंग को भी मैं प्रेडिक्शन करूंगा कि आखिर वानो आर्क एंड किस प्रकार से हो सकता है, प्लस एंड में क्या होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग शुरू से शुरू करेंगे। आज से करीब 3 साल पहले ये आर्क का स्टार्ट हुआ था, 2018 अक्टूबर या नवंबर के महीने में। और अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं उस वक्त कहाँ था, तो मैं शायद उस वक्त जो आर्क खत्म करने वाला था या फिर होल केक आइलैंड स्टार्ट करने वाला था, मुझे ठीक से नहीं याद है। और रही बात यूट्यूब की, तो उस वक्त यूट्यूब पे मेरा वजूद भी नहीं था। इन 3 सालों में कितने ही मांगा आए और कितने मांगा खत्म होके चले गए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल चेंसो मैन का, वानो आर्क के आसपास ही स्टार्ट हुआ था, उसके बाद स्टार्ट हुआ था शायद, और अभी ये खत्म भी हो चुका है, पर वानो आर्क साला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब देखो, वानो आर्क के एंडिंग को प्रेडिक्ट करने से पहले एक चीज जान लो, इसके 2 पार्ट आएंगे। सेकंड पार्ट में मैं बात करूंगा वानो आर्क के एंड होने के बाद क्या होगा, स्ट्रॉ हैट क्रू के साथ क्या हो सकता है, वर्ल्ड किस तरह से चेंज होगा, वो इसके सेकंड पार्ट में मैं बात करूंगा। फिलहाल के लिए मैं बात करूंगा वानो आर्क की एंडिंग किस प्रकार से हो सकती है और फिलहाल हमने क्या क्या चीजें देखी है। देखो, अभी भी 2 फाइट्स बची हुई हैं। किंग और जोरो का फाइट को मैं एक तरह से एंड मान ले रहा हूं। अगर नेक्स्ट चैप्टर में एंड नहीं भी होता है तो उसके आने वाले चैप्टर में एंड हो जाएगा। क्योंकि यार तुम ध्यान से सोचो ना, बहुत टाइम से हम लोग सांजी जोरो वर्सेस किंग एंड क्वीन का फाइट देख रहे हैं और अब खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद शायद हमें फाइट फोकस हो सकता है काइडो वर्सेस लूफी के तरफ। और एक चीज मैं कहना भूल गया था, बात करूं अगर बिग मॉम की, तो मुझे जहां तक लगता है बिग मॉम को कोई नहीं हराएगा इस आर्क में, क्योंकि मेरे को नहीं नजर आ रहा कि ये 2 नमूने बिग मॉम को हरा पाएंगे, बिकॉज उसने अपने डेविल फ्रूट को फुल पोटेंशियल पे यूज किया है। और अभी यार बिग मॉम बन चुके हैं। जो लोग बोलते हैं ना वो वीकेस्ट योंको है, मेरे हिसाब से वो स्ट्रॉन्गेस्ट योंको है फिलहाल के टाइम पे। अब देखो, मैंने तो बोल दिया बिग मॉम किसी भी एंगल से फिलहाल के टाइम पे हारती हुई नहीं नजर आ रही है, बट अगर बिग मॉम हारती नहीं है तो फिर वानो आर्क एंड कैसे होगा। देखो, कल तुम सबने मांगा चैप्टर रीड किया कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने उसके ऊपर रिव्यू बना दिया, नहीं देखा तो जाके देख लेना, उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हाँ मैं कमेंट बॉक्स पे भी पिन कर दूंगा। बट उस चैप्टर के कवर पेज की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर हमें जर्मा 66 के जो 6 है वो दिखाए जाते हैं, जो होल केक को अपना बना के वहां से निकल रहे होते हैं। कुछ समझ रहे हो, वो जो झंडा जिस तरह से फहराते हैं ना, वो कवर पेज देख के ही हमें मालूम पड़ रहा है कि जर्मा 66 ने होल केक आइलैंड पे कब्जा कर लिया है। अब तुम लोग यहाँ पे बोलोगे कि अरे यार वो तो बिग मॉम की टेरिटरी है ना, बट वहां पर भी तो देखो बिग मॉम वहां पे तो है नहीं, उसका पूरा का पूरा क्रू लेके तो वो आ गई है वानो। और अगर मैं बात करूं वहां पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, वो है काटाकुरी। और इसमें कोई शक नहीं है कि काटाकुरी बस अगर जर्मा 66 की फाइट होती है तो काटाकुरी अकेले उनको बहुत धोया होगा, बट यार काटाकुरी अकेला है, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा देर फाइट करने के बाद काटाकुरी शायद हार गया होगा, या फिर किसी तरह से उन लोगों ने तिगड़म लगा के काटाकुरी को हरा दिया होगा। जो भी है, बट यार जर्मा 66 के कंट्रोल में आ चुका है पूरा का पूरा होल केक आइलैंड। मतलब तुम समझ रहे हो, अगर बिग मॉम के पास ये इंफॉर्मेशन जाता है तो हो सकता है कि जो लेलिन है वो बोले छोड़ो ये वानो वानो, मैं जा रही हूँ अपने आइलैंड को बचाने। ये सब चीजें मेरे को लगता है कि फ्यूचर में हो सकती है। ना ब्लैक बियर्ड अटैक करेगा ना मरीन, भाई सांजी के फैमिली वालों ने जाके अटैक करके होल केक आइलैंड को कब्जा कर लिया है। और एक तरह से बिग मॉम चली थी नए टेरिटरी बसाने, बट वहां पर किसी और ने आके उसके ही एरिया को कब्जे में ले लिया है। अब क्या बिग मॉम जाके उन सबको मजा चखाएगी, या फिर यहाँ पे आके लात खाएगी, या फिर दूसरों को मारना शुरू करेगी, वो मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब मैं फाइनली बात करना चाहूंगा वानो आर्क और कितना चैप्टर लेगा एंड होने में। मैंने जैसे कि पहले बोला 15-20 चैप्टर ले सकता है एंड होने के लिए, बट तुम ध्यान से सुनो, जो फाइनल फाइट होती है
फाइनल के कैरेक्टर्स को लेके, मेन विलन वर्सेस मेन कैरेक्टर उस आर्क का, वो फाइट बहुत ज्यादा लंबी चलती है। और मेरे भाई ये वन पीस है, यहाँ पर हमें काइडो का बैक स्टोरी भी नहीं मालूम है, बस हमें थोड़ा बहुत चीज़ें ही मालूम है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है। तो मैं ये देखना जरूर चाहूँगा कि आखिर लूफी वर्सेस काइडो को फाइट में जब काइडो को बैक स्टोरी दिखाया जाता है तो क्या वो काटाकुरी के बैक स्टोरी की तरह इमोशनल होगा, या फिर हमें डोफ्लामिंगो के बैक स्टोरी की तरह दिखाया जाएगा। मैं ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब हाँ, यहाँ पे कुछ लोग आके बोल सकते हैं मुझे काटाकुरी का बैक स्टोरी ज़्यादा इमोशनल नहीं लगा था। एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको समझो, जैसे डोफ्लामिंगो का जब बैक स्टोरी तुम जानते हो तो तुमको वहाँ पे मालूम पड़ता कि वो इतना ज़्यादा कमीना कैरेक्टर क्यों बना। और अगर तुम काटाकुरी का बैक स्टोरी को जानते हो तो एक तरह से तुमको फील आता कि काटाकुरी विलन नहीं है, वो भी अपने हिसाब से वो एक हीरो का रोल निभा रहा है, वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ डोफ्लामिंगो की तो उसका अलग लफड़ा चलता है। तो ये चीज़ मैं समझने वाला बात है कि अगर काइडो का बैक स्टोरी हमें देखने को मिलता है तो हमें क्या मालूम पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम उसके बैक स्टोरी के बाद उसके साथ रिलेट कर पाएंगे कि आखिर काइडो भी अच्छा कैरेक्टर था या फिर कैरेक्टर है उसके एंगल से। बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन वो किसी भी तरह से अच्छा कैरेक्टर नहीं है, बिकॉज उसने वानों को इतने साल रूल किया है और उसने अच्छे खासे एक आइलैंड को यार पूरा का पूरा वेपन फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। लेकिन मैं ये चीज़ जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर वो अपने डॉटर को क्यों हथकड़ियाँ पहना के रखता है। वैसे इसके ऊपर लेकर के मेरा एक अलग ओपिनियन है, मैं अलग से यामाटो के ऊपर जब वीडियो बनाऊँगा तो उस पर भी मैं बात करूँगा। फिलहाल के टाइम पर मुझे जैसा लगता है कि और 15-20 चैप्टर खींचना चाहिए ओडा को, और ये साल तो आधा लग ही जाएगा। वैसे इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन इससे कम लग जाए ऐसा मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। खैर अब तुम लोग का क्या मानना, मैं ये चीज़ जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्लस ये बात तो कन्फर्म है, इस आर्क के बाद लूफी अपना एक योंको बन जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बोला, आफ्टर वानो आर्क के ऊपर अलग से वीडियो आएगा तो वो देखने के लिए एक्साइटेड रहना। ये वीडियो बस यहीं तक था, अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मारना मत भूलना, मेरे कल के वीडियोस को वॉच करना मत भूलना, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है तो मेरे पुराने वीडियोस को भी वॉच कर लेना। प्लस अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं रेगुलर तुम्हें ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहूं। तो यार मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप भी के लिए बाय।